गुड मॉर्निंग साथियों, दिल में मेरे कुछ सपने बस वही हैं अपने, मैं करूँगा उन्हें पूरा, ये मुझे विश्वास है। आसान है, आसान है मैथ, आसान है। जी हाँ, जीरो लेवल मैथ की क्लास में आप लोग जुड़ चुके हैं। सुबह का 5 बज चुका है और आप देख रहे हैं PBR स्टडी का इलाहाबाद चैनल। PBR स्टडी का इलाहाबाद चैनल मतलब कि इस ग्रुप का एक मुख्य चैनल है, बाकी PBR स्टडी ग्रुप, मैथ आसान है, ये दो और भी इसके छोटे चैनल हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज 21 नंबर भाग होगा, कक्षा 8 की मैथ यानी कि 8 ग्रेड का मैथ होगी और एक्सरसाइज होगा 2 का ई। हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और वो भी ऐसे लल्लू पंजू संख्याओं का नहीं, अजीबो गरीब संख्याओं का सीखेंगे, यानी कि दशमलव में दी गई संख्याओं का हम लोग वर्गमूल सीखेंगे, दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक। अब निकटतम 3 स्थान का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों को याद करवाया जाता है कि अंडर रूट 2 का मान 1.141 ऐसे लगभग जो कुछ समथिंग में होता है, 414 ऐसे कुछ होता है, जो भी होता है ना। लेकिन ये इसी पर ख़त्म नहीं होता, इसके आगे 3251 ऐसे कुछ होता है। देखिए मैं इसका राइट वैल्यू नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, ये नोट मत करना कि इसका मान है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे होता है ना। लेकिन आप लिखते कितना हो, आपसे कोई पूछता है तो 141 लिख देते हो ना। तो कहने का मतलब ये 3 स्थान तक आपसे पूछा जाता है, तो इसका मतलब आप लोग समझ लेना कि हम यहाँ पर आपको बताने वाले क्या है। यानी कि 1.7 दिया है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक। ये हेडिंग समझ गए ना। अब मैं ये हेडिंग मिटा दे रहा हूँ, चूँकि इधर साइड ही हमें हल करना है और ऊपर से अगर नहीं करेंगे तो ये आने वाला है नहीं, ठीक ना, बात समझ गए ना। ये 5 बजे से क्लास होता है PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर सुबह 5 बजे से, और PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर शाम 7:30 बजे। इसको आपसे कहा है कि दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक निकालिए ना, तो क्या करोगे पता है? एक बात यहाँ पर आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से पहले, उसके बाद ऊपर लिखते हैं। वो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक कहा है, दशमलव के बाद तो केवल एक अंक है ना। आप जानते हो कि हम लोग इसमें जोड़ा भी बनाते हैं, तो जोड़ा बनाएंगे तो एक एक बनेगा, 3 स्थान तक नहीं हो पाएगा। इसलिए दशमलव के जितने स्थान तक बोला है उससे एक अधिक जोड़ा दशमलव के दाहिनी साइड होना चाहिए। तो चलो बना लेते हैं, ये लो एक जोड़ा बन गया, ये 2, 3 और ये 4। क्यों बनाया 4? ये आप बना सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस नंबर पर, ज़रा इधर गौर करो। चाहे तो आप 1.7 लिख दो या 1.70 लिख दो या 1.700 लिख दो, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये सब का मतलब एक ही होता है, बात समझ रहे हो ना। इधर आप कितना भी जीरो लगा दो इसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए ना। जैसे मरे हुए व्यक्ति की खूब वाहवाही करिए, भाई बहुत अच्छा रहे फलाने, बहुत नीक मनई रहे, सुने होंगे ना आप, ऐसे लोग करते हैं गांव में, या फिर हर कोई करता है, लेकिन जब तक वो होते हैं तब तक उनकी कोई परवाह नहीं होती। देखिए अब इसको आप ला करके यहाँ पे रख लोगे, जो भी मिला हुआ है 1.7000 और ये 0, 3 बन गया और ये 4 जोड़ा बन गया, बात समझ में आई ना। ये जोड़े आपके बन गए 4, क्लियर है ना एकदम, कोई टेंशन नहीं। अब देखना इसी को हमें करना है, वर्गमूल निकालना हमने आपको पहले बता दिया है। एक में हम वर्ग कौन सी संख्या का वर्ग करें कि 1 या फिर 1 से ज़्यादा ना हो, उसके आसपास आए, तो वो केवल 1 हो सकता है। 1 अगर हम 1 का 1 बार ले जाएंगे तो ये 1 आएगा, कहने का मतलब 1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और हम वर्ग ही वहाँ पर लिखते हैं, 1 का वर्ग करके हमने यहाँ लिखा। इसको जोड़ते हैं, इधर साइड में 2 हो गया, ये सबट्रैक होगा, 0 हो गया, ख़त्म हो गया, ध्यान से समझना। अब आप इधर वाला नंबर उतारोगे 7017, लेकिन ऊपर क्या करोगे, फिर दशमलव बढ़ा दोगे, मतलब समझ गए क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमने दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतार लिया, इसलिए दशमलव ऊपर बढ़ा दिया। अब आप ये बताओ कि 2 का पहाड़ा 7 में कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप इसे 3 बार ले जाओगे तो ये तो इधर जुड़ जाएगा 6 और ये 2, और ये 3 बार का मतलब हुआ 3 त्रिका 9,
और 3 × 6 घटा लो तो 1 आएगा। इतना क्लियर है ना? ध्यान से देखना, पूरा क्लास देखना, भागना मत, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब इधर देखो, ऊपर से आप एक जोड़ा और उतार लोगे। अब ये बन गया 26 और ये बन गया क्या, 100 ना। ध्यान दीजिए, अगर 1 बार ले जाओगे तो क्या आएगा मालूम है? 1 बार ले जाओगे तो 261 आएगा। 261 100 से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब 1 बार भी नहीं जाएगा। तो अगर ये 1 बार नहीं जाएगा तो क्या करोगे? ये 0 बार ले जाओ, फिर एक ही ऑप्शन है। हाँ, एक बार ले जाना ज़रूर पड़ेगा, ये नहीं छोड़ना मत कि नहीं ले जाएंगे। और वो बात क्या है मालूम है? जैसे हमने आपको भाग में भी बताया था एक बात, यहाँ ध्यान देना इधर साइड में, जैसे अगर हम भाग ले जाते हैं 3 × 5 से, तो अब आप कहोगे इसमें भाग नहीं जाएगा। भाग जाएगा, कौन कहता नहीं जाएगा, मैं दिखाऊं, इसमें 0 बार पहले भाग जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, घटाओगे तो 3 आएगा। बात समझ में आई ना? अब आप ऊपर दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतारो और ये 6 बार ले जाओ तो 30 आता है। वरना क्या आपने कभी सोचा है कि ये 0.6 क्यों लिखा जाता है? आखिर 0.6 अगर आता है तो 0.6 क्यों लिखते हैं? ये 0 यहीं से बनता है। बात समझ में आई ना? जैसे कहते हैं ना कि बिना कुछ खाए पिए कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, तो उसी तरह की ये दवाई जो दिया जाता है दशमलव का ना, बिना कुछ मतलब एक आध बार ऊपर कुछ गए एक भी अंक, दशमलव नहीं बढ़ाया जाता, खाली खाली दशमलव नहीं बढ़ाते कभी, ठीक ना। तो पहले 0 बार भाग जाता है, ये इसको हल करते हैं, फिर वही नंबर आ जाता है, तब हम दशमलव बढ़ा के उसको उतारते हैं। ये सही तरीका होता है, और वही तरीका कुछ यहाँ भी होने वाला है, देखना। यहाँ पर अब आप यहाँ 0 बार ले जाओगे तो यहाँ ये सब 0 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा, विशेष कोई ताल्लुक नहीं होगा, चाहे लिखते या ना लिखते, लेकिन मैंने लिख दिया। इसको जोड़ लोगे तो 260 हो जाएगा, इसको घटाओगे जो भी होता है तो ये 100 ही रहेगा। हाँ देखो, हमने 70 उतार लिया था, 0 का एक जोड़ा उतार लिया था, 0 का दूसरा जोड़ा उतार लेंगे। देखो ये 10,000 हो गया और ये हो गया 260। अब आप ट्राई कर लो कि 26 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, बताओ। 26 का भाग 100 में 3 बार जाएगा, 3 × 6 = 18 हासिल 1, 3 × 2 = 6 = 178। 4 बार ले जाओगे, 4 × 6 = 24 हासिल 2, 4 × 2 = 8 = 2, 10 104 हो जाएगा, 104 ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे अनुमान लगा लो कि 100 में 26 का भाग 3 बार जाएगा ना, 3 ही बार तो जाएगा, 100 में 26 का 3 बार जाएगा ना। तो आप 3 बार ले जाके देख लो, ट्राई कर लो, 3 बार हो सकता है, कर लो जल्दी से, देखो अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल बताना, और क्लास छोड़ के बिल्कुल मत जाना, पूरा टाइम देखना। चाहे इस क्लास में 20 मिनट लग जाए एक ही सवाल में, लेकिन आपको समझ में आ जाए, हमारी ये जिम्मेदारी होती है। तो 3 बार ले जाओगे ये 9 हो जाएगा, फिर 3 बार ले जाओगे 0, 3 × 6 = 18 हासिल आया 1, है ना, 3 × 2 = 6 = 7। देखो 78 कुछ आया, समथिंग ना आया ना, इसको सब ट्रेक कर लो जल्दी से। देखो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और ये 9 में से 7 गया तो 2, यही तो आएगा ना, इसको जोड़ लो, ये हो गया 6 × 0 = 6 = 2। ये 3 हमने ऊपर नहीं बढ़ाया ना, एक बात ध्यान देना, 1 बार ले गए थे तो 1 ऊपर बढ़ाए थे, उसके बाद क्या किए थे मालूम है आपको? उसके बाद आप लोगों को सब कुछ मालूम है, हमने 3 बार ऊपर भाग दिया था तो 3 बढ़ा लो, फिर 0 बार ले गए थे 0 भी बढ़ा लो, फिर 3 बार ले गए थे फिर 0 बार, फिर 3 बार गया क्या बाद में? हाँ एक बार फिर 3 बार गया ना, बिल्कुल ठीक है, राइट, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर फिर 3 बढ़ा लिया। आप देखो यहाँ पर ये आप एक जोड़ा 0 का उतार लिए थे, एक जोड़ा यहाँ उतार लिए थे, 2 जोड़ा 0 वाला उतार लिए हो, सिर्फ एक जोड़ा बचा है, इसको भी उतार लो यहाँ पर। अब आप ट्राई करोगे 26 का भाग 219 में कितना बार जाएगा, 26 का भाग 100 में देखे 3 बार गया था ना, तो 200 में कितनी बार जाएगा, लगभग 600 से ज़्यादा ही, मतलब 6 के बाद लगभग आसपास जाएगा, 6 बार या 7 बार, है ना। तो आप करके देख लो, आप यहाँ पाओगे ये भाग लगभग 8 बार जाएगा, इसको ट्राई करके देख लेना। देखिए हम इसको जब आपको बार बार पढ़ाते हैं तो मुझे याद हो जाता है, 8 बार जाएगा, 8 × 64 = 4 हासिल आया 6,
आठ छः 48, छः 48 दो 50, 4 54 है ना, 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 में 6 जोड़ोगे तो 54 हासिल आया 5, 80 यानी कि ये 5 हो गया, 8 6 48 का 8 हासिल आया 4, 8 2 16 4 20, देखो 20 85 44 आ गया, आ गया ना। अब एक बात आप ध्यान दो कि 8 बार गया सेटल भी हो गया, कहा था कि दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, तो हमने आपको बताया पहले आप 4 स्थान तक निकालोगे, फिर सार्थक अंक की सहायता से उसका राइट आंसर आप बता दोगे। तो अब नीचे घटाने से कोई मतलब नहीं, हल करने से इसको जितना ही करते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, ख़त्म नहीं होने वाला है, इसलिए जहाँ तक कहा वहीं तक करो, 3 अंक तक कहा था ना। ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, रूल जो हमने आपको बताया पहले से, ये हमें प्राप्त हुआ इतना है ना, हमें केवल 3 अंक तक निकालना है, 8 को हटाना है। कैसे हटाते हैं? अगर चौथा अंक यानी कि जो हमारे डिजायर वाला अंक है यानी 3, उसके बाद का जो अंक है अगर वो 5 होता है या 5 से बड़ा होता है, 5 होता है या 5 से बड़ा होता है, तो जो उसके पहले वाला अंक है यानी जहाँ तक लिखना है उसमें 1 जोड़ कर लिख देते हैं, इसलिए 3 था, 3 में 1 जोड़ कर 4 लिख दिया। अगर ये अंक यानी कि 8 जहाँ है, यहाँ पर 4 है, मतलब 0 से 4 के बीच का 0 है, 1 2 3 4 कुछ भी है, तो वो अंक वैसे उतार लेते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे अगर यही अंक यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये 3 और ये 2 होता तो इसका आंसर 1.303 होता। बात समझ में आई ना, ये जो 3 है वो 3 ही रहता, 4 नहीं होता, लेकिन ये 8 था, 5 से ज़्यादा था, इसलिए क्या हो गया, 4 हो गया। तो जल्दी से छाप लीजिए, ये हो गया दशमलव के 3 अंक तक स्थान आपका मान हो गया, वर्गमूल हो गया। कक्षा 8 की जो लोग मैथ इस समय पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये गजब की क्लास है। हो गया, नोट कर लिए। अगला नेक्स्ट देखना, ध्यान से देखना, बड़ा गौर से देखना। देखो इसी में हम साइड में करवा देंगे, ठीक ना, इसी में साइड में करवा दे रहे हैं, टेंशन मत लेना, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी तब तक हम बगल में दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में का कर लो आप लोग एक, और चौथा, पहला दूसरा तीसरा सब आप खुद से कर लेना। हाँ, अगला इसमें कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलिए और उनका वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप लोग बदल लोगे कि नहीं, दशमलव को परिमेय संख्या में और परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना कैसे होता है, पता है आपको? ध्यान देना, क्वेश्चन का जो टाइटल और लाइन है बहुत बड़ा है, उसको हम नहीं लिखने वाले, एक बार फिर से सुन लो। पहला सवाल इसमें क्या दिया है, ये दिया है 5/12, ठीक, क्वेश्चन का हेडिंग समझना। कक्षा 8 की NCERT मैथ में आप बुक निकाल के देख लोगे तो तीसरा सवाल है अभ्यास 2 का ई, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं यानी ये जो दिया है को दशमलव भिन्न में बदलिए और उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको दशमलव भिन्न में बदलिए, मतलब आप भाग दे के इसको काट पीट के क्या करिए, दशमलव में बदल दीजिए। तो चलिए दशमलव में बदलना आपको दिखाते हैं, इधर देखना साइड में, मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग करना है। 12 से भाग करोगे पहले 0 बार जाएगा, घटाओगे 5 आएगा, ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतार लोगे 12 4 48 आएगा, घटाओगे 2 आएगा, 0 उतारोगे 12 1 12 आएगा, घटाने पर 8 आएगा, 0 उतारोगे 12 6 72 आएगा, घटाने पर फिर से 8 आएगा, देख लो, फिर 0 उतारोगे फिर क्या आएगा, 12 6 72। अब यहाँ पर देखो एक लफड़ा होने वाला है, ये बार बार 6 6 ही जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, तो इसके सामने इसको लिख लो 0.41666। कितनी बार लिखोगे, देखो अभी बताया था ना दशमलव के 3 अंक तक बोल रहा है ना, तो दशमलव के बाद 4 जोड़े बनने चाहिए, तो चलो ये लो बना लिया,
हाँ, और हमने सिक्स को बार बार क्यों लिखा मालूम है? चूंकि वो कट नहीं रहा वहाँ पर, उसकी पुनरावृत्ति हो रही बार बार, और कटेगा भी नहीं कभी, इसलिए इसको आप चाहे जितनी बार सिक्स को लिख सकते हो। आप क्या करेंगे, अब हम लोग इसी संख्या का वर्गमूल करेंगे और आप लोग उसको ध्यान से समझना। ये 41 है, 66 है और ये 6 है, तीन एक चार जोड़े बन चुके हैं। कितने बन गए? चार बन गए, चार ही बनाना भी था, तो जल्दी से छाप लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कॉपी किताब लेकर बैठा करिए, अगर आप लिखोगे तब मज़ा आएगा, नहीं लिखोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। यहाँ पर कोई यहाँ पर डांस नहीं होने वाला है कि हम नाचेंगे ऐसे ऐसे, ठीक ना, बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो पहले क्या था, जीरो था, उसके बाद दशमलव था। तो पहले आप जीरो बार ले जाओगे इसमें भाग ऊपर, तो ये जीरो आएगा, ये सब कट पिट के ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, बात ख़त्म। दूसरा जोड़ा दशमलव के बाद है, तो यहाँ दशमलव बढ़ा के उतार लोगे 41। अब कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 41 के आसपास आए, वो संख्या है 6, हमने ऊपर लिख दिया। घटा लोगे 5 आ गया, इसको जोड़ लोगे तो 12 आ गया। अब एक जोड़ा उतार लो 6 वाला, ये उतार लिया, बात पक्की? चलो ठीक है, ओके डन। अब 12 का भाग 56 में कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा ना, 12 चौक 48, तो 4 बार ले लो फिर, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9 और 4 एक कम 4, घटा लो इसमें से 70 आएगा लगभग में, 70 आएगा ना, बात क्लियर? इधर वाला जोड़ लो 8 आया, और ये 2 और 1, 128 आया ना। अब क्या करोगे, देखो 66 वाला हमने एक जोड़ा उतार लिया था, और अभी ये दो जोड़ा बचा, एक और उतार लिया, चलो ठीक ना। अब आप एक काम करो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, रात का लगभग 1 बज रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह देखेंगे आप लोग इसे, इसलिए देख रहे होंगे जमाई उमाई आ रहा ना। 12 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा बताओ जल्दी से, 12 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, 5 बार लगभग जाएगा, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार कर लो। 25 के 5 हासिल आया, 2 5 8 40, 2 42 हासिल आया, 4 5 दूना 10, 4 14 के 4 हासिल आया, 1 5 एक कम 5 एक 6, देखो ये 62 25 आया ना, घटा लो इसको इसमें से, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 4 गया 6, इसको जोड़ लो 5 5 10 हासिल 1, 8 एक 9 और ये 2 और 1, ठीक, बात समझ में आई ना? कितना आया, 64 और 1। देखो मैंने दोनों जोड़े उतार लिए थे, एक जोड़ा है उसको भी उतार लो। अब देखो 12 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा, 1200 हो गया है और ये 64,000 हो गया है, ये 4 बार के लगभग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, भाग करके देख लेना, ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जाएगा, कितनी बार जाएगा, आप बार बार गुणा करके ट्राई करोगे तो जानोगे कितनी बार जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 नवाई 36 के 6 हासिल आया 3, 4 दूना 8 3 11 हासिल है 1, 4 एक कम 4 एक 5, इस तरह से ये 51,616 आ जाएगा, जो कि लगभग 64 के काफ़ी समतुल्य आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है ना। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ऊपर सारे नंबर को नोट करो, पहले जो जो भाग दिए हो, ये मेरी गलती है, अभी तक नहीं लिखा, इसको तुरंत लिखना था। 5 बार गया था, फिर 4 बार गया था, है ना, 5 बार गया था, फिर कितनी बार गया था, 4 बार गया था, ये हो गया 6 4 और 5 4, ये तो आपका फाइनल में हो गया 4 अंक तक, लेकिन क्या कह रहा था, दशमलव का इसको 3 अंक तक निकालिए अधिकतम, तो सार्थक अंक आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, 3 अंक तक निकालना है, जो हमें नंबर मिले हैं वो 6 4 5 4 मिले हैं, एक अंक यहाँ से गायब करना है, केवल 3 अंक तक निकालना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.645। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर ये 4 ना होता 6 होता तो इसको 6 कर देते, अगर ये 8 होता तब भी इसको 6 कर देते, अगर ये 9 होता तब भी इसको 6 कर देते, अगर ये 5 होता तब भी इसको 6 कर देते, क्यों? क्योंकि जितने अंक तक निकालना होता है उसके बाद का जो अंक होता है उससे तुलना करते हैं, अगर वो अंक 0 से 4 तक है तो कोई बदलाव नहीं होता, नीचे वैसे उतार देते हैं। और अगर वही अंक
फाइव से नाइन तक होता है तो उसमें एक जोड़ करके उत्तर लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, बहुत नींद आ रही है अभी इस समय तेजी के साथ। आप लोग उठ गए हो ना सो के? देखो ये सुबह क्लास आप लोग देखते हो बड़े मज़े से, है ना, लेकिन रात भर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उस दिन आपको पता है ना, एक हमने पोस्ट किया था कम्युनिटी टैब में, जिम्मेदारियां भी उड़ा देती हैं आँखों की नींदें, जिम्मेदारियां भी उड़ा देती हैं आँखों की नींदें। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता, समझ गए ना, मज़ा आया होगा ना थोड़ा बहुत। तो आप लोगों की जिम्मेदारियां ही हैं जो ये हम कर रहे हैं, बाकी और जो भी है ठीक ठाक है। हाँ, एक और भी इसमें का दूसरा तीसरा आप लोग खुद से कर लेना। एक चौथा है जो काफ़ी ख़तरनाक रूप में दिख रहा है, इसी सवाल का चौथा भाग है। कौन सा सवाल नंबर है पता है? अभ्यास टू का ई क्वेश्चन नंबर ये है 3, 2E का तीसरा का पहला भाग कर लिया और अब हम लोग करेंगे तीसरा का चौथा भाग। तो चौथा भाग साथियों क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से समझना। ये कह रहा 367, उसके बाद सही 367 सही 2/7। इसको दशमलव भिन्न में बदलना है और दशमलव भिन्न में बदलने के बाद में दशमलव के निकटतम तीन स्थानों तक इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलो बदल लेते हैं। इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, 7 × 49 के 9 हासिल आया 4, 7 × 42 4 × 46 के 6 हासिल आया 4, 7 × 21 4 × 25 और ये हो जाएगा 2/9। कुछ लोगों को काफ़ी कष्ट हो रहा है वो इसको देख लें, इसको जानते हो ना, 7 × 21 होता है ना और धन 5/7, ये हो जाता है 26/7, इसको जानते हो। वैसे इसको करना है, थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने इसको लिख दिया सजा के, बस। बात समझ में आई ना? देखो ध्यान से देखना वरना नींद बहुत तेज आने वाली है तो गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए बहुत गौर से देखना और बताना तुरंत कमेंट करके। हमारी कोशिश होती है 100% आपको एक्यूरेट जानकारी देने की, लेकिन मानवीय त्रुटि के लिए माफ़ी चाहते हैं। मानवीय त्रुटि अगर हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आप लोगों को लग भी रहा होगा ना, 69 में 2 जोड़ोगे तो 71 होगा। जगते रहो और कमेंट करते रहो। कुछ लोग तो ऐसे चुपचाप देखते रहते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो हैं या भी नहीं हैं। तो इसको क्या करोगे, दशमलव में बदलोगे। किस में? दशमलव में। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं कैलकुलेटर का उपयोग मत करो यार, इधर देखना। चलो भाग दे लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं फिर हल करेंगे। पच्चीस 71 का भाग करना है किससे? 7 से। दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनना चाहिए, इतनी बार भाग ले जाना है, मतलब बहुत बार ले जाना इस भाग को तो। लेकिन टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी ले जाओ वरना हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो ये पहले कितनी बार जाएगा? पहले 4 बार जाएगा, थोड़ा दूर से लिखते हैं तो 7 × 28 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 × 21 घटाओगे 4 आएगा, ऊपर से 7 उतार लो, 7 × 25 35, 7 × 49 7 × 42 कितनी बार जाएगा? 42, घटाओगे 5 आएगा, ऊपर से 1 उतार लो। इतना क्लियर है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। 7 × 9 = 63, 7 × 8 = 56, 7 × 49 ये देखो कितना आया, 2 आया ना। अब यहाँ ध्यान देना, छोड़ना नहीं, यहाँ पर दशमलव के बाद जो हमें उत्तर निकालना है निकटतम तीन स्थान तक मान निकालना होगा, उसके लिए आपको दशमलव के बाद 4 जोड़े कम से कम बनाने होंगे। तो आप भाग दे के ही बनाओगे वो 4 जोड़े। तो चलो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। ऊपर दशमलव बढ़ाओगे, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतारोगे, भाग जाएगा 7 × 14, घटाओगे 6 आएगा। बिना कुछ करे एक बार दशमलव बढ़ाने के बाद 0 बार बार उतार सकते हैं, ये वही क्या बोलते हैं उसे, ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी के साथ भी वाला प्रोग्राम। 7 × 8 = 56 कितना हो जाएगा? 56, घटा लो कितना हो गया? 4, फिर 0 उतार लोगे हो जाएगा 40। बात समझ में आई ना? तो 40 हो गया, फिर से इसमें भाग ले जाओगे, अभी जाएगा ये 7 का भाग, आप जानते हो 7
पाँचे पैंतीस, पाँच बार लगभग जाएगा तो ये फिर से क्या आ जाएगा, पाँच आ जाएगा, बनेगा पचास, और फिर सात सत्ता उनचास। देखो दशमलव के बाद हमने दो जोड़े बना दिए हैं, दशमलव के बाद चार जोड़े बनाना है। इसको आप खुद से करोगे, हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक ना। और आगे कर लेना, अभी और आगे ले जाना, क्या आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूँकि इसको अभी अभी हमने किया था। 367.2857, और अभी इसके आगे ले जाओगे तो कितना आएगा मालूम है, 1428। कितना आएगा, 1428। इतना बार क्यों ले गए मालूम है, दशमलव के बाद हम लोग ले गए हैं आठ अंक तक। क्यों, चूँकि हमें दशमलव के बाद चार जोड़े बनाने हैं, और वो चार जोड़े इसलिए बनाने हैं चूँकि हमें दशमलव के तीन अंक तक मान निकालना है निकटतम। तो चलो ये आ गया, बस ये इसी का क्या करना है, ये आ गई दशमलव भिन्न, इसी का निकालना वर्गमूल। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ये। 367.2857, अब हम भाग मिटा देंगे, जो लिखे हैं लिख लें, जो नहीं लिखे हैं वो ताकते रहें बस ऐसे, थोड़ा फास्ट करेंगे तभी कुछ होने वाला है, वरना सब कुछ डिसमिस होने वाला है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जोड़ा बन जाए बस फटाफट, जोड़े का ही इंतज़ार है ना, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे। कितनी बार जाएगा अब, देखो तीन में ले जाओगे तो एक बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा ना, कोई झंझट नहीं होना चाहिए। ऊपर वन जाएगा वन, ये घटाओगे दो आ जाएगा, छः सात उतार लोगे, ऊपर से क्या करोगे, एक एक जोड़ के दो हो जाएगा। अब आप अगर इसका भाग ले जाना चाहो तो लगभग नौ बार जाएगा, नौ नवाई इक्यासी और नौ दूना अठारह, अठारह में आठ जोड़ोगे छब्बीस हो जाएगा, घटाओगे तो छः आएगा, नौ नौ अठारह हासिल एक और दो एक तीन। इतना बात क्लियर है। अब दशमलव के बाद हम लोग चल रहे हैं, देखो नौ बार गया था ना, अब क्या है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जोड़ा है जो 28 का है, उतार लिया, अब कितनी बार जाएगा पता है, अगर बार बार इसको हल करोगे तो मालूम चलेगा। अब ये केवल एक बार जाएगा, दो बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, आठ में से एक गया सात, बारह में से आठ गया चार, पाँच में से तीन गया दो, इतने तो होगा ना, 267, 267 होगा ना, कोई कुछ और होगा, 47 होगा, 47 होगा, ठीक है ओके। इसको जोड़ लो दो, ये हो गया आठ और ये तीन, इतना समझ में आया ना। देखो अभी हम कितनी बार ले गए, एक बार ले गए ना, तो उस एक को भी ऊपर बढ़ाना होगा, हमारा फर्ज होता है जैसे भाग ले जाए तुरंत साथ में ही बढ़ाना होता है, ये तो हम थोड़ा आपको समझाने के चक्कर में नहीं बढ़ाते, वन हो गया। अब आपका जो भाग जाएगा मालूम कितनी बार जाएगा, लगभग में छः बार जाएगा, और वो छः बार क्यों जाएगा मैं बता दूँ आपको। देखो ये 382 आया ना, और ये कितना आया है, 247 आया है, अगर आप गौर करो तो 247 काफ़ी कम है इससे, तो क्या करोगे, इसको घटाने के बाद मिला था ये जोड़ा, तो मैंने उतारा नहीं था, जोड़ा तो नहीं उतारा था ना, अगर जोड़ा उतारे होते एक और दूसरा जोड़ा फिर उतारते तो ऊपर जीरो बढ़ाते, लेकिन हमने केवल घटाया, जोड़ा नहीं उतारा, तो 28 वाला पहले उतार लिया, 57 वाला उतार लो, उतार लिया। अब आप ट्राई करो, तीन का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, तीन का भाग 24 में आठ बार जाएगा ना, तीन उठे 24, लेकिन यहाँ पर आठ बार नहीं जाएगा, ये आठ बार ले जाओगे तो काफ़ी कम हो जाएगा, अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं, ये छः बार जाएगा, छः बार ले जाके देख लो, इसी के आसपास आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना आए ना बहुत कम आए। तो छः छः 36 का छः हासिल आया तीन, छः दूना बारह तीन पंद्रह हासिल आया एक, छः अठे 48 49 9 हासिल आया चार, और छः त्रिक 18 चार 22। देखो 22,000 कितना आया, 956, 956 ना लगा लो। देखो ये क्वेश्चन एक बार और भी दिया हुआ है ऐसे सेम टू सेम, घटा लो, देखो ये छः बार गया था ऊपर, छः लिख दो बिना भूले हुए, सात में से छः गया एक, पाँच में से पाँच गया कुछ नहीं, सत्रह में से नौ गया आठ, तीन में से दो गया एक, 1801 आ गया, छः छः 12 दो हासिल एक, और ये दो आठ और तीन। इतना समझ में आया। अभी ऊपर दो जोड़े बचे हैं, 14 वाला उतार लो, क्या है 14, इसको भी उतार लो। अब अगर आप ट्राई करो तो लगभग फोर बार जाएगा इसमें भाग, कितनी बार जाएगा, फोर बार जाएगा। क्यों जाएगा, चूँकि आप इधर ध्यान से देखो, ये है 3822 और ये है 18,114,
लगभग 6 गुना ज़्यादा है ना। ये कितनी बार जाएगा इसको आप खुद से ट्राई करोगे। कैसे ट्राई करते हैं थोड़ा सा मैंने हिंट आपको बता दिया है। आप ऐसे नंबर ले लो 38, 38 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा, ट्राई करो। लगभग जितनी बार जाएगा उतनी बार ही आप कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कर लो, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा ना यहाँ, ना लिखा है 4, मत लिखना अभी, रुके रहो। आप एक काम कर सकते हो, 3 का भाग ट्राई कर लो 18 में कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा ना। लेकिन क्या ये भी 6 बार जाएगा, देख लो 6 बार ट्राई कर लेते हैं, इसका गुणा कर लो आपस में। देखो 6 बार ले जाने पे ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये 6 6 36 के 6 हाँसी लाया 3, 6 2 12 3 15 5 हाँसी लाया 1, 6 2 12 1 13 3 हाँसी ले 3, और 6 8 48 1 49 9 हाँसी लाया 4, 6 3 18 4 22। देखो ये 22,000 हो गया ना, 22,000 ही नहीं हुआ और लंबा हो गया, 2,29,000 हो गया, जबकि वो केवल 18,000 है। काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, लाखों में पहुंच गया 1,000 से। तो इसलिए 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार भी ज़्यादा होगा, ये 4 बार जाएगा। ट्राई करके देख लो। देखो 4 दो तरह का बनता है, चार इस तरह का बनाना, टेंशन मत लेना। 4 4 16 6 8 1, 4 2 8 1 9, और 4 2 8, 4 8 32 2 3, 4 3 12 3 15। देखो 15 आया, 28 आया, 96 आया, यानी 15,000 आ गया, लगभग 18,000 के आसपास आया है। तो ये 4 बार गया ऊपर, हमने 4 लिख दिया। अब ध्यान देना लास्ट पड़ाव चल रहा है, इसको जोड़ लो, 4 4 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये भी क्या हो गया, 3 हो गया। इसको घटा लो इधर साइड में, अगर आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 14 में से 8, 6 गया क्या 8, इसमें से एक उधार गया था, ये बना 10, 10 में से 9 गया 1, और ये इसको एक उधार दिया, इसको दिया, तो ये बना 10, 10 में से 8 गया कितना 2। लिख लो आप लोग, घटा लो जल्दी जल्दी जो भी आए फटाफट, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं विस्तारित कर देता हूँ, कितना आया 15 28, और यार कुछ गड़बड़ आया है क्या, 4 का पहाड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। फिर से देखो तो 38 324 था ना, 224 था, 38 324 था, कैसे गलत है, ध्यान देना। 6 6 12 का 2 हाँसी लेक ना, अभी भाग मत दो, यहाँ देखना पहले, अभी आएगा समझ में। 6 6 12 का 2 हाँसी लेक, और ये 2 था ना, हाफिल इसमें जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ 4 बार आप ले जाओगे, अब सही है, अब सही है, तो ये अलग आएगा थोड़ा सा। 4 4 16 6 हाँसिल 1, 4 2 8 1 9, और 4 3 12 के 2 हाँसिल 1, 4 8 32 1 33 के 3।